हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो है आपका डेडलॉक। डेडलॉक जो है आपका प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ताकि आपका जो कोई भी प्रोसेस आए तो वो डेडलॉक में ना जाए। ये हम लोगों का देखने का काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अभी शुरू करते हैं, डेडलॉक क्या है। देखिए डेडलॉक क्या है, ये डेडलॉक इज़ अ सिचुएशन। डेडलॉक एक सिचुएशन है इन विच टू कंप्यूटर्स प्रोग्राम्स शेयरिंग द सेम रिसोर्सेस आर इफेक्टिवली प्रिवेंटेड ईच अदर फ्रॉम एक्सेसिंग द रिसोर्सेस। मतलब क्या है, देखिए ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर एक साथ दो प्रोग्राम एक ही रिसोर्स को यूज़ कर रहा है, प्रोसेस एक ही साथ दो रिसोर्स को यूज़ कर रहा है, तो वो डेडलॉक ऑकर हो सकता है, वहाँ पर डेडलॉक सिचुएशन ऑकर हो सकता है। यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल से, ये एक डेडलॉक के एक ग्राफ है जहाँ पर एक P1 एंड P2 टू प्रोसेसेस है एंड R1 रिसोर्स वन एंड रिसोर्स टू टू रिसोर्सेस है। P1 रिसोर्स वन को असाइन किया हुआ है, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं होल्ड करके रखा हुआ है, एंड इसको P1 को एग्जीक्यूट होने के लिए वेट कर रहा है रिसोर्स को, R2 रिसोर्स को, इसको R2 हम लोग बोल सकते हैं, R1 एंड R2। P1 को R2 रिसोर्स अगर मिल जाएगा तो वे पूरा एग्जीक्यूट होकर CPU से बाहर निकल आएगा। सिमिलरली उसी टाइम P2 एक प्रोसेस है जिसको रिसोर्स 2 असाइन किया हुआ है, या फिर ये होल्ड करके रखा हुआ है, और इसको रिसोर्स 1 चाहिए ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके। तो ये जो एक सिचुएशन है, इसके हम लोग डेडलॉक बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग पूरा पूरा डेडलॉक नहीं बोल सकते। ये सिचुएशन में डेडलॉक हो सकता है। एक और एग्जांपल से मैं समझ लीजिए, एक बहुत ही नैरो एक रोड है, यहाँ पर एक कार है, एक कार वन है इस डायरेक्शन पर जा रहा है, यहाँ पर एक कार है वो इस डायरेक्शन पर जा रहा है, ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत एकदम नज़दीक आ चुका है। तो अगर इसको इस तरफ जाना होगा तो ये क्या करेगा, इस कार को बैक में जाना होगा, या फिर इस कार को अगर आगे जाना होगा तो इस कार को बैक में जाना होगा, लेकिन इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे का कार को पीछे नहीं ले जाना चाहता है। तो ये जो सिचुएशन जब आएगा तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ये सिचुएशन है डेडलॉक हो सकता है, लेकिन इसको हम लोग पूरा पूरा डेडलॉक सिचुएशन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए डेडलॉक होने के लिए 4 नेसेसरी कंडीशंस है डेडलॉक के लिए। एक है आपका म्यूचुअल एक्सक्लूशन, दूसरा है आपका नो प्रिम्पशन, थर्ड है आपका होल्ड एंड वेट, एंड फोर है आपका सर्कुलर वेट। जैसे हम लोग एक चेयर देखते हैं ना, उसमें 4 पहिए होते हैं, इसी 4 पहिए में से अगर कोई भी एक पहिया अगर टूट जाएगा तो हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, या अगर 3 पहिया रहेगा तो 3 पहिया में से हम लोग कोई भी इस चेयर को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली डेडलॉक क्या है, डेडलॉक के ये 4 पहिए हैं, जिसमें से अगर कोई भी एक सिचुएशन को हम लोग वायलेट कर देते हैं, या म्यूचुअल एक्सक्लूशन को, या फिर नो प्रिम्पशन को, या फिर होल्ड एंड वेट, या फिर सर्कुलर वेट, इन 4 में से किसी एक को अगर हम लोग वायलेट कर देते हैं तो वो कंडीशन हम लोगों के डेडलॉक, कोई भी प्रोग्राम डेडलॉक में नहीं जाएगा, या फिर कोई भी प्रोसेस डेडलॉक में नहीं जाएगा। म्यूचुअल एक्सक्लूशन देखते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूशन क्या है, जैसे मान लीजिए एक प्रिंटर हम लोग यूज़ करते हैं, तो इस प्रिंटर में अगर ए मशीन इस प्रिंटर को अगर कोई डेटा दे रहा है, उसी टाइम अगर बी भी डेटा देना चाहेगा तो नहीं दे पाएगा, क्योंकि अगर ए दे रहा है तो ये पहले प्रिंटर ए की जो डेटा है पूरा डेटा को प्रिंट करेगा, उसके बाद ही वो बी के जो प्रिंट करने के लिए पेपर्स है उसको प्रिंट करेगा। ऐसा नहीं है कि ए का भी कर रहा है एंड साथ ही साथ बी का कर रहा है, इसमें क्या होगा, ये दो पेपर में मिसमैच हो जाएगा, तो ये अलाउ नहीं है। तो इस कंडीशन को हम लोग म्यूचुअल एक्सक्लूशन बोलते हैं, अगर एक कर रहा है तो उसको करने के बाद ही दूसरे को हम लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नो प्रिम्पशन। मतलब क्या है, ए अगर स्कैनर को होल्ड करके रखा हुआ है तो ए उसको जब तक वो छोड़ेगा नहीं, स्कैन करके उसके बाद प्रिंट करके पूरा टास्क कंप्लीट नहीं करेगा, तब तक ये स्कैनर ए को ए के पास ही रहेगा, ये छोड़ेगा नहीं। सिमिलरली अगर बी के पास भी अगर उसी टाइम स्कैनर को चाहेगा तो नहीं मिलेगा। जो ऐसा यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसमें देखिए ठीक से समझेंगे, P1
पी वन जो रिसोर्स है वो आर वन को होल्ड करके रखा हुआ है एंड आर टू के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर आर टू उसको नहीं मिलेगा तो आर वन को वो छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। ये आपका नो प्रिम्पशन, मतलब अगर एक रहेगा तो इसमें कोई भी कॉन्टेक्स्ट स्विच अलाउ नहीं होगा, ये आपका नो प्रिम्पशन। नेक्स्ट है हमारा होल्ड एंड वेट। ये जो सिचुएशन है ये एक तरह का होल्ड एंड वेट ही है, ये होल्ड कर रहा है एंड पी आर टू के लिए वेट कर रहा है तभी ये एग्जीक्यूट होगा। ये सिमिलरली पी टू प्रोसेस आर टू को होल्ड कर रहा है और आर वन रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है, तो ये कंडीशन है आपका होल्ड एंड वेट। अगर इसी कंडीशन को हम लोग वायलेट कर देंगे तो डेडलॉक नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट भी सिमिलरली होल्ड एंड वेट की तरह है, मतलब मान लीजिए एक आर वन रिसोर्स है जो होल्ड करके रखा है आर वन को एंड उसको चाहिए आर टू। सिमिलरली पी वन एक पी टू एक प्रोसेस है जो आर टू को होल्ड करके रखा है और उसको चाहिए आर थ्री। सिमिलरली एक पी थ्री प्रोसेस है, इसको आर थ्री चाहिए एंड पी आर वन को होल्ड करके रखा हुआ है। तो ये एक देखिए सर्कुलर वेट, मतलब क्या एक सर्कल में वेट हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए एक सर्कल में वेट कर हो रहा है तो इसको हम लोग सर्कुलर वेट भी बोल सकते हैं। सिमिलरली इसी की तरह ही सर्कुलर वेट है। हम लोग बाद में एक एक करके पूरे इसी टॉपिक को देखेंगे। अभी इतना समझ लीजिए डेड लॉक अगर होगा तो ये चारों बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी कंडीशंस है। इसी कंडीशन अगर हो जाएगा तो डेड लॉक होगा, अगर इसी कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर वायलेट हो जाएगा तो यहाँ पर डेड लॉक नहीं होगा। आई होप आप लोगों को ये डेड लॉक के रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर इसी डेड लॉक रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।